सुबह सुबह का सुहाना मौसम, और वैसे तो मैं इतनी जल्दी उठता नहीं हूँ, लेकिन पापा को छोड़ने के लिए उठना पड़ा और मैं दोबारा से सो रहा हूँ। गाइस सुबह सुबह का माहौल दिखाता हूँ आपको कि देखो यहाँ पे मोर एक तो अभी नाच रहा था, लेकिन अभी मेरे जाते ही ये देखो यहाँ पे इतने सारे मोर है और ये मस्त नाच रहे थे अभी बट मेरे आते ही, लेकिन जैसे ही मैं आया इन्हें नाचना बंद कर दिया। सबसे मस्त ये तोता है, ये अपना मस्त एंजॉय कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसे कौन आ रहा है। ये देखो मेरी मम्मी, मम्मी अब क्या बना रही हो खाने में? रोटी सब्जी। मैं तो भाई अभी पापा को छोड़ के आया था सुबह, क्योंकि पापा को जाना था, पापा के एग्जाम ड्यूटी लगी हुई है, 12-1 बजे पहुंचना था, पापा को छोड़ दिया, मैं सो के उठा हूं। और मम्मी अब बारात में जाएगा? हाँ मम्मी बारात में जाएंगे। कुछ मम्मी बारात में जाने से पहले कुछ सलाह वाला दोगी? सलाह दूंगा, आराम से जाके आ जाना और रास्ते में ध्यान रखना। चला 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 जा। तो गाइस देखो ये इधर दे, चल इधर इधर आ जा। तो गाइस देखो ये वो चीज़ होती है पुराने टाइम पे जो अपन ऐसे लकड़ी की गाड़ियाँ यूज़ करते थे बच्चों को चलाने के लिए। अबे तू तो इसके बिना चल लेता, आ जा छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, बिना इसके चल गया, आ जा अब आ जा। ये देखो इतना ड्रामेबाज बच्चा है। अबे तो चलता था, इसे क्यों चला रहा है इसे बता, है क्या करेगा इसे चला के। सो गाइस देखो रात को भात का प्रोग्राम हो गया था और अब मैं सो ही रहा हूँ अभी तक, क्योंकि उठने का मन नहीं कर रहा। 10 बजे और कले में बहुत अजीब से आ रहा है, मरने वाला हूँ। सो गाइस देखो अभी तो मैं नहाने जा रहा हूँ और ये है मेरी बुआ जी, और ये मेरी सबसे अच्छी बुआ है, क्योंकि जब भी आता हूँ मेरा खाना पानी सब कुछ एकदम बढ़िया से करती है, चाय वगैरह सब कुछ। और अभी नहाने के लिए जा रहे हैं, और ये देखो ये हमारे खेत है, ये वो और वहाँ भी और वो रहा घर। गाइस बुरी हालत हो रखी है, बस अपनी ब्रश लेके इधर से उधर घूम रहा हूँ ताकि कोई थोड़ी सी कोलगेट डाल दे मेरी ब्रश पे, मगर यहाँ पे कोलगेट ही नहीं मिल रही। एक थी वो पता नहीं गायब है, मैं क्या करूँ। अपना देसी जुगाड़ सोच रहा हूँ कि नीम वाली दातुन करूँ, बट उसके लिए भी वहाँ पे जाना पड़ेगा। और गाइस गांव आके इतना अच्छा लगता है ना, सच में बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है। वाइफ वगैरह मम्मी वगैरह तो सारे दूसरे वाले घर पे और मैं यहाँ पे रुक गया था, तो मेरे को यहाँ पे ज़्यादा मज़ा आता है इसलिए मैं रुक गया, क्योंकि अभी घर जाते हैं वहाँ पे कुछ था नहीं करने के लिए, और यहाँ पे तो मैं बचपन से रहा हूँ, ये रोड वगैरह सब कुछ याद है मेरे को। मेरी बुआ के घर पे काफ़ी रुकता था मैं, काफ़ी क्या मतलब यहीं पर रुका रहता था, मुझे बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है। अब टूट गया था, जान ही ना आया आकाश, पूरा बदला ले रही है। आज मेरा श्रृंगार हो रहा है। मेरे लिए अरे पुराने वाले तो गलत करा दे, इतने सुंदर रहे हैं, एक बिना फेरा देने से पूछ ले, ये का हीर तो देख ले जो लगाना ही बाद में, छोटा भाई का मेकअप चालू है अभी, ये लो रिपची बता दिया आगे लेकर काके को छोरी। अरे तू मत लगाए, तू ले परी तेरो करा मत, तीन बार में अभी ना एक टुकड़ा आती फैले तीन करना। आकाश कौन छोड़ दिए तेरे को परदी मारना। जो तो पहन रखा है
तो गाइस मैं शादी में जाने के लिए ऑलमोस्ट रेडी हूँ और सब कुछ सामान हुआ है, देखो पीछे रेडी हो गया। और पता है क्या हुआ, क्या कि ना फोन ऑफ होने वाला है, तो अभी आर एन मिलेगा आगे तो उसका फोन यूज करूंगा मैं, क्योंकि यार लाइट नहीं आ रही कहाँ पे। चले आरती, चले, तू नहीं चल रही। भगवान जारी नाश करवाओगी के। चलो चलो चलो, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और लाइट है इसके अंदर, वाह यार मैंने काफी खर्चा करा है।